मैंने कल आपको ह्यूमन आई ऑफ द कलरफुल वर्ड्स मैंने कल आपको बताया था, उसमें द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, द फंक्शन ऑफ ह्यूमन आईज, व्हाट आर द फंक्शंस, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स, सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं, ड्रॉ द लेबल डायग्राम्स एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई। इसमें हम लोग पढ़े थे बहुत सारे पार्ट्स के बारे में, पढ़े थे कॉर्निया, आइरिस, पुपिल, आईलेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, बहुत सारी फंक्शंस के बारे में पढ़े थे, उसके क्या क्या पार्ट होता है, लाइट कहां से एंटर करती है, इमेज की फॉर्मेशन कहां होती है। उसके बाद हम लोग बताए थे कि ह्यूमन आई का परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है। परसिस्टेंस ऑफ विजन मतलब है क्या कि अभी कभी इमेज की फॉर्मेशन होती है तो कितने सेकंड के अंदर इमेज की फॉर्मेशन हो जाती है। और भी बताया था मैंने आपको डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में कि डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है। कभी आप सुने होंगे कि किसी व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम्स है, नियर साइटनेस है, फार साइटनेस है, इट मींस कभी किसी व्यक्ति को नजदीक दिखाई नहीं पड़ रही है, दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है, दूर की वस्तु दिखाई पड़ रही है, नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। कभी किसी को ऐसा होता है कि वह उसे नहीं नजदीक दिखाई पड़ती है, नहीं फार दिखाई पड़ती है। तो ये सब डिफेक्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी कल मैं आपको बता चुका था, या डिफेक्ट पर भी एक क्वेश्चन आता है सीबीएसई में। ऐसे में इससे लास्ट सेशन में, वीडियो के लास्ट सेशन में मैंने आपको न्यूमेरिकल कुछ करवाऊंगा, कुछ वीडियो करवाऊंगा, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा मैं आपको। तो अभी इस चीज को केयर करेंगे कि वहां पे कौन सी लेंस की जरूरत पड़ती है, कौन कहां पे करेक्शन होती है, कौन सी इमेज की फॉर्मेशन कहां होती है। वो जहां पे मैंने आपको बताया था डिफेक्ट ऑफ विजन पे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस मायोपिया, एक बताया था एस्टिगमेटिस। उसके बाद मैंने आपको बताया था एकोमोडेशन। लास्ट एक प्रॉब्लम बच जाती है हमारे पास कैटरैक्ट। कैटरैक्ट के बारे में हम लोग आज जानेंगे। कभी कभी आप सुने होंगे गांव में ऐसा बोला जाता है कि जैसे जैसे एज ढलता है, एज ढलता है तो हमारी सेम की जो कर्वेचर है, आई की जो कर्वेचर है वो भी क्या करेगा, हमारा डिक्रीज करता, सिकुड़ता है। तो मोतियाबिंद की बीमारी होती है। तो मोतियाबिंद क्या है, मतलब ये हो गया कि सिलियरी मसल्स जो है वह लेंस को होल्ड किए रहता है, पकड़े हुए रहता है। अब लेंस को जो होल्ड किया रहता है तो प्रोटीन की मात्रा जब कमती है, लैक ऑफ प्रोटीन्स होती है उसमें, तो सिलियरी मसल्स धीरे 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 क्या होता है, वह अपनी लेयर को कवर करने लगता है आई लेंस को। आई लेंस को कवर करता है तो वहां पर क्या होती है कि लेयर जम जाती है। तो लेयर जमने के कारण क्या होती है कि बॉडी को किसी भी मनुष्य को सामने से दिखाई नहीं पड़ता है, धुंधलापन दिखाई पड़ता है, मिल्की दिखाई पड़ती है, क्लॉडी दिखाई पड़ती है। तो उस बीमारी को बोला जाता है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट का मतलब है कि इसमें कलर की रिस्पॉन्डिंग नहीं होती है। कलर की रिस्पॉन्ड कौन करता है, कौन सेंसर करता है, कोन करता है। कलर की रिस्पॉन्डिंग नहीं होती है इसमें। अब जब कलर की रिस्पॉन्डिंग नहीं आएगा तो कैसा दिखाई पड़ेगा, मिल्की दिखाई पड़ेगा, धुंधलापन दिखाई पड़ेगा, क्लॉडी दिखाई पड़ेगा। तो यहां पर कैटरैक्ट कैसा होता है क्योंकि कलर का रिस्पॉन्डिंग नहीं करता है। और जब कलर रिस्पॉन्डिंग नहीं करता है तो रेटिना पर इमेज इंफॉर्मेशन नहीं होती है। मैं आपको टॉपिक जो बता रहा हूं एकदम शॉर्ट नॉट है, पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। दूसरी बात है कि ये कैटरैक्ट की जो प्रॉब्लम्स होती है ये ज्यादातर ऐसे कभी कभी रेयर केस में देखा जाता है कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी है। और किसी दादा दादी को हुआ है, किसी अंकल को हुआ है, किसी डीएनए से होकर आ रहा है, किसी फैमिली को होकर आ रहा है, तो भी आपको भी होने के चांसेस होती है, बहुत ही रेयर केसेस। बट आजकल जो खाना जो लोग खा रहे हैं, जो ले रहे हैं भोजन जो ले रहे हैं, इसमें बहुत सारे क्या है कि मिनरल्स हमारी है, इसमें बहुत सारा कंपोनेंट ऐसा मिला हुआ है जिसके कारण क्या होती है कि प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा नहीं मिल पाती है, तभी क्या होती है कि ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो ऐसे प्रॉब्लम को, इस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इससे हम बोलेंगे कलर ब्लाइंडनेस। एक प्रॉब्लम होती है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब कि रात में उसे दिखाई नहीं पड़ता है, डिम लाइट, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब डिम लाइट उसको ऑब्जर्व।
रड एक्टिव नहीं होती है। और उसमें क्या होता है कि उसकी इंप्रॉपर फंक्शन होना शुरू होती है, मतलब कि रड जो है ना उसकी फंक्शन सही से काम नहीं करता है। तो जब फंक्शन सही से काम नहीं करता है, डिम लाइट को जो ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, तो भी और भी क्या होती है, वैसी कलर डिफेंड करती है, लग रही है कि उसे डार्कनेस ऐसा दिखा पड़ता है। तो वो जो डार्कनेस आपको दिखा पड़ रही है, इसलिए उस ब्लाइंडनेस को हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। मैंने बताया कैटरेक्ट दो प्रकार की ब्लाइंडनेस होती है, एक होती है कलर ब्लाइंडनेस, एक होती है नाइट ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के मतलब हुआ क्या कि कोन एक्टिव नहीं होती है, और नाइट ब्लाइंडनेस के मतलब हुआ क्या कि रड एक्टिव नहीं होती है। तो ये आपको कैटरेक्ट में आ गया। इसमें विटामिन ए की जरूरत ज्यादा होती है, जितना ज्यादा विटामिन ए लेंगे उतना ज्यादा आपका ये काम फंक्शन ज्यादा करेगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ना है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर भी क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, इस बार भी सीरियसली क्वेश्चन पूछा हुआ था, स्टार ट्विंकलिंग क्यों करती है, प्लैनेट ट्विंकलिंग क्यों नहीं करता है। तो हम लोग उसमें देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। ये एक रैलिस स्कैटरिंग है, रैलिस एक थ्योरम है, रैलिस एक अकॉर्डिंग टू रैलिस साइंटिस्ट के माध्यम से बोला गया है, रैलिस अकॉर्डिंग टू रैलिस बोला गया है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ का। ये क्या है आपका वेवलेंथ, वेवलेंथ का फोर्थ पावर किसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ इंटेंसिटी का। अगर लाइट के इंटेंसिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो वेवलेंथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो लाइट की स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये बात समझेंगे, ये जब इंक्रीज करेगा तो इंटेंसिटी क्या होगा आपको, डिक्रीज करेगा। इंटेंसिटी अगर स्पीड ऑफ लाइट अगर इंक्रीज कर रही है तो वेवलेंथ क्या होगी उसकी, डिक्रीज करेगी। तो ये रेलिस थ्योरम पे बताएगा। इसके हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, किस पे, किसी प्रिज्म के ऊपर। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक ट्रायंगुलर फॉर्म है, ट्रायंगुलर फॉर्म है बना हुआ, ट्रायंगुलर फॉर्म है जो कि यह 60 डिग्री कॉनिकल फॉर्मेशन करता है। आप बोलोगे सर ये रेक्टेंगुलर क्यों नहीं होता है, अरे यार मैंने आपको बताया हूं कि रेक्टेंगुलर स्लैब होता है, इसकी डेंसिटी है, स्लैब के बारे में पढ़ाया था, उसके बाद ग्लास के बारे में पढ़ाया था आपको मैंने, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, कि व्हेन द लाइट इज स्ट्राइकिंग फ्रॉम ए वन मीडियम देन द लाइट जस्ट टर्न बैक, जस्ट बेंड बैक, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये सब क्या होती है ग्लास में। लेकिन इस प्रिज्म में क्या है, प्रिज्म में एक एंगल, ये बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म से बोला जाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। एक प्रिज्म है जो कितने डिग्री एंगल बना रही है, 60 डिग्री एंगल बनाती है। तो यहां पे देखा गया यह है कि जब हम व्हाइट लाइट देते हैं, व्हाइट लाइट पास करते हैं, तो ये मीडियम कैसा है, एयर मीडियम है, ये कैसा है, डेंसर मीडियम है। जब व्हाइट लाइट पास करते हैं तो इसमें क्या करेगा, हल्का लाइट को बेंड करेगा, क्योंकि ये इसके पास अंदर की डेंसिटी ज्यादा है, तो डेंसिटी ज्यादा है तो लाइट को अब इसलिए क्या कर देगा, बेंड कर देगा। मैंने बताया था आपको कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है और ग्लास में कितना होता है, जैसे डेंसर मीडियम में जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो उसी प्रकार ये क्या किया, डिक्रीज कर गया। अब ये देखिए यहां पर स्टेसिस आया, उसके बाद ये वाली पॉइंट पे ये भी डेंसर मीडियम है, एयर एयर मीडियम है, यहां से लाइट क्या करेगा, ये बाहर निकलेगा। तो ये आने वाले जो इंसिडेंट एंगल है, यहां पे देखिए, यहां पे नॉर्मल हम लेते हैं तो ये रेज इसको इस प्रकार से जाना चाहिए था, और जहां से ये हमारी बेंड किया है इसे आगे की ओर बढ़ना चाहिए था। तो ये वाले एंगल, ये वाली रेज और ये वाली रेज जो वहां पर कट रही है, जो एजम्पशन है, जो उसकी एक्चुअल है, एक्चुअल जो वहां पर जाना चाहिए था, यहां पे जो एंगल डिफॉर्मेशन करता है इसे बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएट किया, कहां से वो एंगल मुड़ा है उसे एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू होता है आई प्लस, ये आगे पढ़ना है। अब देखिए यहां पे व्हाइट लाइट गया है, तो व्हाइट लाइट कुछ एंगल के साथ गया, इंसिडेंस एंगल है यहां पे, ये ऐसे इसमें इंटर किया, उसके बाद ये रेज को ऑब्वियसली बाहर निकल गया,
क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाहर निकलेगा तो ये वाली जो रेज है इसे बोला जाता है इमर्जेंट रेज, इमर्जेंट रेज। आप रिफ्लेक्शन में जानते हैं कि आई इज इक्वल टू आर होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन में आई इज इक्वल टू इमर्जेंट होता है क्योंकि ये रेज बाहर निकल रही है, रिफ्लेक्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि रिफ्रैक्शन का दूसरा जो लॉ है साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट है जो स्नेल्स का दिया था। तो यहां पे ये देख लीजिए, कभी कभी इस चीज को ऐसा देखा जा रहा है कि सर एज ए न्यूटन साहब ने सबसे पहला थ्योरी दिया था किसी ब्रिज के ऊपर में कि जब हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं, व्हाइट लाइट को पास करते हैं, कभी आप लोग ब्रिज देखे हो, कभी ब्रिज को अगर देखने का मौका मिला हो, कभी जैसे कि कहीं पर कोई गाड़ी लगी हुई है तो लाइट उसके ऊपर पड़ती है, तो लाइट पड़ती है तो क्या होती है वहां से बहुत सारा कलर डिफरेंट दिखाई पड़ता है, चमकती रहता है। किसी रेनबो के सिस्टम देखा होगा बहुत सारे अलग कलर है, मैं बताऊंगा रेनबो ऐसा फॉर्मेशन क्यों करता है। कभी आप देखे होंगे कि ऐसा जो फैशनेबल जो है जैसे कोई गर्ल्स लोग जिससे गार्मेंट यूज करती है तो उसमें जो लाइट पड़ती रहता है ना तो चमकते रहता है, चमकते रहता है, तो ज्यादा चमकने वाला चीज जो चीज होती है ना वो ज्यादा लोग लाइक करते हैं, ठीक है। जो चमकता सितारा ऐसा रहता है, चमकता रहता है, उसके साड़ी पे उसके कपड़े पे ऐसे चमकने रहता है तो लाइट पड़ने पर क्या चमकती है, तो एक शेप पे बनाया हुआ होता है, तो आखिर वही कलर क्यों चमक रही है। तो ये न्यूटन से पहला थ्योरी दिया था कि कोई भी अगर हम वैक्यूम मीडियम में अगर लाइट पास करते हैं तो कोई भी लाइट डिफ्रैक्ट नहीं करता है क्योंकि उसके पास डेंसर मीडियम किसका कंपेयर करेगा। लेकिन अगर किसी सरफेस पे लाइट जाती है वैसे सरफेस जहां पे ट्रांसपेरेंट है, कभी आप सडनली अगर आप कभी रोड पे मूव कर रहे हो तो किरोसिन तेल गिरा हुआ रहता है और किरोसिन तेल के ऊपर में अगर लाइट पड़ रही है तो किरोसिन तेल भी चमकता है, वो भी लगेगा अलग अलग कलर का दिखाई पड़ता है। तो कारण क्या है, तो किरोसिन तेल जैसे मैंने बताया था आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, तो वो चीज याद रखेंगे अलग अलग जैसे मटेरियल्स होगा सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा अलग होगा, चमकने भी अलग चमकेगा वो चीज। तो न्यूटन साहब ने बताया था यहां पे कि जैसे ये लाइट पड़ती है किसी रिफ्लेक्शन सरफेस पे तो वहां से कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई पड़ता है, अलग अलग कलर में निकलती है वहां से व्हाइट लाइट जब पड़े होती तो कौन सी कलर होती है, तो बोला गया कि सर वो जो कलर होती है ये हमारा क्या हो गया वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड होता है, जिसे हम लोग एक कोड के नाम से जानते हैं विप गयो वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ये सात कलर में होती है। तो यहां पे यह आ गया कि अच्छा ये मतलब ये हुआ किसी भी हम व्हाइट लाइट किसी भी चीज पे दे रहे हैं किसी सर्विस पे दे रहे हो वैसे सबसे जैसी डेंसिटी ज्यादा हो तो वहां से ये सेवन कलर इमिट होती है और इसी सेवन कलर को ही हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट सेवन कलर्स कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। अब ये बात आ गई तो यहां पे ये बात समझना है कि कौन सी कलर का सबसे ज्यादा सर कभी कभी ऐसे पता चलता है कि रेड जो होता है वो बहुत ही डेंजरस के लिए यूज करते हैं तो कौन सी लाइट का कितना एडजस्टर होता है कैसे मेजरमेंट करेंगे हम, तो किसी भी लाइट के वेवलेंथ को मेजरमेंट करने के लिए उसे हम लोग यूनिट लेते हैं जिसे बोलते हैं एंगस्ट्रम। क्या बोलते हैं एंगस्ट्रम, तो वायलेट मैंने बताया था आपको रिफ्लेक्शन वाला वीडियो को आप देखेंगे उसमें मैं बता चुका हूं कितना एंगस्ट्रम होता है और कैसे कैसे आगे की ओर जाता है तो उसकी वेवलेंथ कितना इंक्रीज करता है, मैंने बताया हूं फर्स्ट वीडियो में आपको रिफ्लेक्शन वाला में रिफ्लेक्शन ऑफ लेंस बता रहा हूं मैं। ये वायलेट टू रेड इसका जो वेवलेंथ होता है यह 3900 एंगस्ट्रम होती है और इसका जो होता है वो 7900 एंगस्ट्रम। तो कितने कलर निकला, सेवन कलर निकला, सेवन कलर इज कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट।
when a light, when a white light passing through prism, from the prism same one wonderful color will splitting out. That splitting of light is called a spectrum of light. Yeah, we can say as a dispersion of light. Dispersion of light. Again, somebody think, if white light is passing through prism, then from the prism same one wonderful color will emit out. Suppose we are just keep it one another prism on the outside of the prism. Then what will happen? अगर एक प्रिज्म है और एक प्रिज्म और लगाते हैं तो क्या होता है? तो उनके दिमाग में एक सोच आया कि अगर हम एक प्रिज्म ऐसा लेते हैं तो यहां से सात कलर तो निकलती है, और एक प्रिज्म और लेंगे अगर हम उल्टा लगा देते हैं तो क्या होता है? तो इसका मतलब यहां पर यह होगा कि जो कलर जो निकला है ये सातों कलर इसमें चला जा रहा है, और जाने के बाद यहां से फिर एक सिंगल लाइट निकलती है। सिंगल जो लाइट निकल रही है उसी को हम बोलते हैं यहां से फिर एक व्हाइट लाइट बना। ये जो व्हाइट लाइट दिए थे तो यहां पे सेवन कलर निकला, और सेवन कलर को अगर हम प्रिज्म को उल्टा करते हैं मतलब ये हुआ कि एंगल ऑफ प्रिज्म को हम चेंज कर दिए, एंगल ऑफ डेविएशन को हम चेंज कर दिए। तो जब एंगल ऑफ डेविएशन चेंज कर जाता है तो यहां से फिर एक कलर निकलती है, जो कलर यहां पर था वही कलर यहां पर होती है। और ये कलर को हम देखते हैं स्क्रीन पे कि जो कलर मैंने व्हाइट लाइट पास किया था वही व्हाइट लाइट यहां पे मिल जाती है। इसका मतलब है कि जब प्रिज्म को उलट देंगे, एंगल ऑफ डेविएशन जब चेंज हो जाएगा तो जैसा कलर हम पास करवाएंगे वैसा ही कलर मुझे प्राप्त होगा। ये भी सर आइज़ैक न्यूटन ने ऐसा विचार दिया था। तो ये ध्यान रखोगे यहां पे कि प्रिज्म क्या किसे कहते हैं, प्रिज्म से कितना कलर निकलता है, कौन कलर का सबसे कम वेवलेंथ होता है, किसका ज्यादा होता है, सबसे लिस्ट कलर डेविएशन कौन से है। अगर कभी पूछा जाएगा आपसे, एक्चुअली 2019 के लास्ट में एक दरोगा का भी क्वेश्चन आया था, एसएससी भी क्वेश्चन आया था कि लिस्ट कलर डेविएशन किसका होता है, सबसे लिस्ट कौन सी कलर होती है जिसकी डेविएशन कम होती है, तो लिस्ट कलर जो डेविएशन होता है वह वायलेट होता है। लिस्ट डेविएशन सबसे कम जो डेविएट करता है वह कौन सा करता है, वायलेट करता है। एंड मैक्सिमम डेविएशन होती है, मैक्सिमम डेविएशन। तो सर अगर मैक्सिमम डेविएशन होता है इसीलिए तो इसे बोला जाता है कि रेड कलर जो होता है डेंजरस किसमें होता है। आखिर किसी टावर पे या कहीं पे भी आज देखने को मिलता है कि लाल कलर ही खतरी घंटी क्यों रहती है, क्योंकि वो ऐसी कलर है कि वहां वो जो लाइट ज्यादा डिविएट करता है, तो डिविएट करता है तो दूर से ही दिखा पड़ जाती है कि वहां पे कुछ डेंजरस चीज है। इसलिए रेड कलर जो होता है मैक्सिमम डेविएशन होती है, और वायलेट कलर जो होता है मिनिमम एंड लिस्ट डेविएशन होता है। मैं कुछ अभी प्रॉब्लम के साथ में बताऊंगा आपको, इसलिए पहले इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में भी बताता हूं। एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी बहुत सारे जो फंक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, रेनबो, एडवांस सनराइज एंड डिलेट सनसेट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट, व्हाई द कलर ऑफ स्काई क्लियर ब्लू एंड व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एस्ट्रोनॉट्स। मतलब यहां पे ये क्वेश्चन कैसे आ जाती है कि ट्विंकलिंग स्टार जो है ट्विंकल क्यों करते दिखाई पड़ता है, और अगर स्टार ट्विंकल करता है, ट्विंकलिंग करती है, टिमटिमाती है, तो प्लेनेट क्यों नहीं टिमटिमाती है? ये भी क्वेश्चन है। हमें देखना यह है कि स्टार रियली में ट्विंकलिंग करती है या नहीं करती है, अगर करती है तो सही है, अगर नहीं करती है तो फिर क्यों ऐसा दिखाई पड़ता है? अगर स्टार ट्विंकलिंग कर सकता है तो प्लेनेट ट्विंकलिंग क्यों नहीं कर सकता है? दूसरी बारी कहां पर है कि रेनबो की फॉर्मेशन जो होती है वो सेवन कलर में दिखाई पड़ता है, तो रेनबो की फॉर्मेशन क्यों होती है और सेवन कलर क्यों दिखाई पड़ता है, इसके लिए हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में ये देखना है कि मॉर्निंग के टाइम में जब सनराइज होती है, मॉर्निंग के टाइम में, तो उस समय सन की कलर कैसा होती है, फुल्ली रेडिश दिखाई पड़ती है।
और इवनिंग के टाइम में सनसेट के टाइम में, सनसेट के टाइम में सन की जो कलर होती है वो भी फुल्ली उस टाइम रेडी दिखा पड़ती है, बट इन बिटवीन में जो सन की जो कलर होती है मुझे पता ही नहीं चलता है कि कौन सी कलर है, टोटली लगता है अल्लोस लगता है ऐसा। ये क्यों होती है मैं बात करूंगा आगे चलता है, देखेंगे इसको पूरी वीडियो के लास्ट एंड तक देखेंगे। इसमें क्वेश्चन कोई कहीं नहीं, कहीं से दो क्वेश्चन जरूरी पूछ ली जाती है। तीसरी बात है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसे कहते हैं, मैंने जस्ट बताया था कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या है, डिस्पर्सल ऑफ लाइट क्या है, कितने कलर में टूटता है लाइट, कौन से लाइट पास करते हैं तो कौन से कलर, कितने कलर निकलते हैं, किस कलर का सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, मिनिमम किसका होता है, ये मैंने आपको बता रखा हूं। तो आइए हम यही करके स्टार्ट करते हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों ऐसा होता है। पहले हमें यह समझना है कि हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं, जिस एटमोस्फेयर पे रहते हैं, तो यहां पे क्या होती है कि जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे, जैसे जैसे आपको पता है हमारे एटमोस्फेयर डिफरेंट डिफरेंट लेयर में बनी हुई है, अलग अलग स्फीयर में बनी हुई है, तो जैसे जैसे आगे जाते हैं हम लोग, हर स्फीयर में क्रॉस करते हैं तो हमारी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करती जाती है। तो आपको ये पहले से ऑलरेडी मालूम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से कि जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है तो किसी मटेरियल पे पड़ता है तो वहां से लाइट क्या करता है, डेविएट करता है, क्या करता है, वहां से डेविएट करती है। तो ये जो स्टार है हमारी अर्थ से बहुत ही ऊपर है, बहुत ही ज्यादा ऊपर है, उसकी साइज है, बड़ी साइज है, बट ये दिखाई पड़ती है पॉइंट साइज की जैसा, बहुत ही पिन पॉइंट दिखाई पड़ता है, छोटे छोटे टुकड़ों दिखाई पड़ रहा है। तो हमें ये इसलिए ऐसा दिखाई पड़ रहा है क्योंकि अब बहुत ही ऊपर में है, बहुत ही डिस्टेंस पे है ये, तो डिस्टेंस पे है। आप जब ये रूल्स को पता है कि लाइट वहां से डेविएट करेगी, एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन डिफेक्ट करेगी वहां पे, तो यहां पर देखिए ये वाली जो आपको दिखाई पड़ रही है, यहां पे जो दिखाई पड़ रही है, ये जो स्टार दिखाई पड़ रही है, ये स्टार में क्या अंतर है, ये स्टार यह है, यह एक्चुअल पोजिशन है और ये यहां पे क्या हो गया, वर्चुअल पोजिशन। मतलब यह हो गया कि रियल में स्टार यहां पे है, ये यहां दिखाई पड़ती है, और स्टार की जैसी लाइट पड़ती है तो वहां से लाइट जो डिविएट होती है वह लाइट वहां से टिमटिमाते टिमटिमाते दिखाई पड़ती है। कारण यह होता है कि हमारे एटमोस्फेयर में बहुत सारे बंडल ऑफ डस्ट पार्टिकल क्या करते रहता है, मूव करते रहता है, तो सारे डस्ट पार्टिकल पर जब लाइट इंसिडेंट करेंगे तो लाइट की वजह से क्या कर देगा, वह बेंड कर देगा, तो बेंड करने के कारण ही हमें ऐसा फील आती है, देखने को मिलता है कि अच्छा लगता है कि स्टार जो है ट्विंकलिंग कर रहा है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पे ये इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ही दूरी में है और एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के फिनोमिना के कारण, ड्यू टू द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण यहां पे हम लोग ये देखने को मिलता है कि यह क्या करता है, वो टिमटिमाता है। तो आप कभी भी क्वेश्चन से पूछेगा तो क्या लिखोगे कि जैसे जैसे अगर इसकी डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो उसकी रिफ्रैक्शन इंडेक्स क्या करते हैं, वो डिक्रीज करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करती है, डिक्रीज करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिक्रीज हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो लुमिनियस फ्लक्स है, लुमिनियस फ्लक्स का मतलब कि लाइट की इंटेंसिटी या वो डिक्रीज की है या इंक्रीज की है, तो जो फ्लक्स है हमारे लुमिनियस फ्लक्स है वो स्टार ऑफ द लाइट पे हमारी आंखों पे रिफ्लेक्ट करता है। अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है या घट रही है तो जैसे जैसे इंक्रीज करती है, डिक्रीज करेगी लाइट तो क्या करेगा, यह हमेशा मूवमेंट करेगी, क्या करेगी, मूवमेंट करेगी, मूवमेंट करती है तो फील आता है कि स्टार क्या कर रही है, ट्विंकलिंग कर रही है, बट स्टार सर नॉट ट्विंकलिंग। दूसरी क्वेश्चन आती है हमारे पास कि सर अगर ऐसा होता है कि स्टार अगर ट्विंकलिंग करते दिखाई पड़ता है तो यह क्यों नहीं दिखाई पड़ता है कि प्लैनेट्स क्यों दिखाई नहीं पड़ती, प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकलिंग होती है। आपको जैसे कि यह दिखाई पड़ेगा कि एक सन है, सन इज स्टार है, बता ना सर, एक प्लैनेट नहीं है, ध्यान रखेंगे आप। दूसरी आपका एक यहां पर क्या है, मून है, तो सर ये मून और चंद्रमा क्यों है, ये जो आपको आ गया सन और ये आपका मून है, ये सन और मून क्यों नहीं ट्विंकल होता है, ये प्लैनेट हमारी पृथ्वी क्यों ट्विंकल नहीं करती और प्लैनेट क्यों ट्विंकल नहीं करती है, कारण यह होती है कि ये प्लैनेट्स हमारे अर्थ से बहुत ही नजदीक होता है और ये बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, लार्जर साइज की होती है, जो बड़ा लार्जर साइज की होती
ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही लार्जर होता है, तो कभी भी यह पता नहीं चलेगा, ये कभी दिखाई नहीं पड़ती है, ये इस तरह से नहीं, जब होता है नहीं है तो दिखाई कहां से पड़ेगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि प्लैनेट्स आर लार्जर, मच एंड मच लार्जर देन अ स्टार। That's why we are not able to see the planets are twinkling. And this phenomenon is happening under the atmospheric refraction. It is also the phenomenon of atmospheric refraction. Next, आपके है यहां पर देखिए टॉपिक है रेनबो के बारे में। रेनबो का हिंदी होता है इंद्रधनुष, धनुष की जैसा ऐसा बना होता है। कभी कभी जब बारिश की मौसम होगी सडनली अगर धूप निकल जाती है तो आपको दिखा पड़ेगा कि वहां पे इंद्रधनुष बना हुआ है, जिसे कभी कभी लोग गांव में ऐसे बोलते हैं पंचोखा, पानी सोखने वाला ऐसा। तो ये कारण ऐसा क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि आपको ये पता है कि ये सब कुछ ये क्या है आपका ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स किस चीज का? वाटर का। वाटर का ड्रॉपलेट्स जब यहां पे देखिए ये आपका स्फीयर अलग है, ये स्फीयर 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 है, अलग अलग स्फीयर में है। तो वाटर की ड्रॉपलेट्स जैसी वाइस हो रही है, वाटर की ड्रॉपलेट्स नीचे पृथ्वी पे गिरती है और उस टाइम सन की लाइट जब ड्रॉपलेट्स पे पड़ती है, उस टाइम जब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में सन की लाइट जब ड्रॉपलेट्स पे पड़ती है तो यहां पे जो विजन्स करते हैं, जो अर्थ पे जो विजन्स कर रहे हैं, तो वहां पे दिखाई पड़ रही है अलग अलग कलर में दिखाई पड़ रही है। तो वो जो आपको पता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स पे वाटर जो होता है गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है, अब उस पे जब लाइट इंसिडेंट होती है ना तो वहां से आपको क्या होता है कलर की स्प्लिटिंग होती है। कलर का स्प्लिटिंग हुआ इसका मतलब कर सकते हैं कि यहां पर ये वाटर की ड्रॉपलेट्स में लाइट पड़ी है, तो लाइट पड़ने के कारण क्या होती है कि अलग अलग कलर में दिखाई पड़ता है। तो ये अलग अलग कलर में कौन सी दिखाई पड़ेगी? तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, मतलब कि विप गयोर में ही तो दिखाई पड़ेगा। इंद्रधनुष भी तो ये वैसा बन जाता है, इंद्रधनुष एक सेवन कलरफुल में बनता है, डिपेंड्स अपॉन ड्रॉपलेट्स। जैसे जैसे ड्रॉपलेट्स वाटर की बूंदे है ना, पानी की बूंदे जब ऊपर से गिरती है तो जब सन की रेज उसके ऊपर पड़ती है तो वहां से लाइट रिफ्रैक्ट करता है, रिफ्रैक्ट होने के कारण क्या होती है अलग अलग कलर में दिखाई पड़ती है। और दिस इज कम्स अंडर द फिनोमेना ऑफ ऑल्सो ए एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। Atmospheric refraction and also atmospheric refraction. These are the conditions. Next, we will see advanced sunrise and delayed sunset. मतलब कि morning time में कभी-कभी ऐसा होता है कि सूर्योदय होने से, मतलब कि वो जब ऊपर की ओर उठती है तो morning time में sun की जो color होता है वह पूरी रेडिस होती है, लाल दिखाई पड़ता है, पूरा का लाल दिखाई पड़ता है। रियल में हम लोग फिगर ऐसा देख सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं क्या नहीं देख सकते। सूर्यास्त के टाइम में भी हमें देख सकते हैं कि पूरा लालिमा होती है, तब तो लाल पेजामो ऐसा समझ के हनुमान जी इसको खा गए थे, ठीक है। तो ये लाल ध्यान रखना है कि कारण क्या क्यों होती है सर, तो ये इसलिए होती है, ये सब कुछ हमारे पास ये अर्थ है। अब ये हमारी एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, मैंने बताया कि आप एटमोस्फेरिक में एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन जो होती है हमारे एटमोस्फेयर में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है वो क्या करते रहते हैं मूवमेंट करते रहते हैं। तो मूवमेंट करते रहते हैं, मॉर्निंग के टाइम में क्या होती है कि टोटली मूवमेंट शांत रहता है, स्टिल शांत रहता है। तो जब उस समय साइन रहेंगे तो हमारी वो क्या होगी लाइट की रिफ्रैक्शन होगा, तो क्या होगी डस्ट पार्टिकल पे ज्यादा नहीं पड़ती है, तो डस्ट पार्टिकल पे ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो एक यहां पे ऑब्जर्वर है, अभी जब ये हॉरिजॉन्टल में किसी चीज को अगर अपने हॉरिजॉन्टल में अगर सन को देख रहा है तो दिखाई पड़ता है इसका रियल कलर, दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे यह सन ऊपर की ओर जाना शुरू किया कुछ टाइम के बाद ऊपर जाना शुरू किया, इसकी कलर कैसा हो जाती है,
फुल्ली एलॉस हो जाती है, जो व्हाइट कलर के जैसा या येलो कलर कर सकते हैं, मतलब कि इसके कंपेयर में यह नहीं होती, इसके कंपेयर में यह नहीं होती। तो इसलिए मॉर्निंग के टाइम में हमें इस तरह में दिखाई पड़ता है। सेम वाइस वर्सा अगर आप रखेंगे इवनिंग के टाइम में, उस टाइम में यही होती है कि पूरी वातावरण शांत हो जाते हैं, एटमोस्फेरिक जो रीजन हमारे है, डस्ट पार्टिकल्स के जो मूवमेंट है, वह मूवमेंट काम करना क्या होती है, क्लोज हो जाती है, क्योंकि इवनिंग के टाइम में उतनी काम नहीं होती, स्मोकिंग एरिया ज्यादा नहीं है। तो क्या होता है कि इवनिंग के टाइम भी आपको 2 मिनट पहले, सनसेट होने के 2 मिनट पहले, फिर आपकी सन की जो कलर है वह फिर कैसे दिखाई पड़ेगी, रेड फुल दिखाई पड़ती है। तो रेड दिखाई पड़ती है वह हॉरिजन के, मतलब ये अर्थ के ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और इसे आप देख सकते हैं लास्ट में कि दिस इज ऑल्सो द कम्स अंडर द फिनोमिना ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्लक्स। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वेन ए लाइट, वेन ए व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू प्रिज्म, देन फ्रॉम द प्रिज्म लाइट विल स्प्लिट आउट, लाइट विल सी वन वंडरफुल कलर स्प्लिट आउट, डार्क कलर या डार्क स्प्लिटिंग ऑफ लाइट वी कैन से एज ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अभी इस फिगर को आप बना लीजिए, इस फिगर पे आप देख लीजिएगा, एंड सारा इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आती हैं, क्वेश्चंस इसकी पे आ सकता है। इस बार आपको ये क्वेश्चंस सीबीएसई में क्वेश्चंस पूछा था 2019 में। प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकलिंग करती है, क्योंकि इसकी साइज ज्यादा होती है। ये ट्विंकलिंग क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि सबसे बहुत डिस्टेंस पे होती है, बहुत टिनी पार्टिकल्स की जैसा दिखाई पड़ता है। तो रिफ्लेक्शन के कारण क्या होती है, और ट्विंकलिंग जैसा दिखाई पड़ता है। इसलिए इस पर आपको एक में एक से दो क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहती है। अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और है, इसे साफ करने के बाद मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ट्विंकल इफेक्ट क्या होता है एंड व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई। इसके मैं अभी आपको डिस्कशन करता हूं, इसमें आप क्या करें जब तक इसका आप फिगर बना दें। रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, सनसेट, सनराइज and rainbow, scattering of light, and this topic comes under a Tyndall effect. What is the meaning of Tyndall effect? Actually, this is the topic when you are studying in higher classes, in class 11 in chemistry, surface chemistry, there is a homogeneous mixture is there. Homogeneous mixture means we can say as a, किसी भी suppose कोई compound है, अब इस कंपाउंड में अलग अलग कोई मिक्सचर रखा हुआ है, अलग अलग कोई मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है। मिलाने के बाद क्या कर रहे हैं कि एक मटेरियल, एक कोई भी एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्सअप कर जा रही है। मिक्सअप करने के बाद कुछ जो एलिमेंट्स है वो वहां से उसके ऊपर मिक्स नहीं कर रही है, एयर मॉलिक्यूल्स वहां रह जा रहे हैं। एयर मॉलिक्यूल्स उसके पास है क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा उसके पास टोटली पैकेज नहीं हो पाएंगे। तो जब इसके ऊपर जब लाइट जाएगी तो ये क्या करेगा, हल्का या बेंड कर देगा। इसके ऊपर जब लाइट जाएगी यहां से क्या करेगा, लाइट इसके पास सेंड कर देगा। ये लाइट क्या करेगी, इसके पास सेंड कर देगी। ये लाइट क्या करेगी, इसके पास सेंड कर देगी। तो मतलब ये हुआ कि होमोजेनियस मिक्सर में कोई भी मटेरियल्स को अगर हम लोग क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, रखते हैं, तो अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं वह एलिमेंट्स पे लाइट पड़ने पे अगर उसमें इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है, एयर की मॉलिक्यूल्स उसमें है, तो जैसे लाइट पड़ेगी तो वह लाइट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो रिफ्लेक्ट करने का मतलब यह हो गया था कि यह भी आपका जो है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर आता है, ये भी उसी के अंदर में रिफ्रैक्ट कर रही है, लाइट रिफ्लेक्ट कर दे रही है। दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि व्हाई इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू। समझ में आ रही है ना सारी बात, ये सब सीबीएसई के क्वेश्चंस में आता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। बी केयरफुल एंड जस्ट थिंक योर सेल्फ कम्स अंडर द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन।
your NCERT books. Just read out line by line and just make a short notes and just prepare for your videos. Second, आपके यह है कि atom why is the color of clear sky? Sky जो है, sky की जो color है वो blue क्यों दिखाई पड़ रही है? Blue इसलिए दिखाई पड़ रही है क्योंकि जब यहां से जब हमारी पता है आपको कि जिस स्फीयर में हम लोग जो रहते हैं जिस स्फीयर में रहते हैं वहां से कुछ हमारी उस स्फीयर में जैसे कि वाटर की वेपराइजेशन होती रहती है क्लोरीन होते रहता है स्मोकिंग एरिया रहती है वहां से चिमनी से जो स्मोक निकलते रह रही है तो यहां पे आपको यह पता है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट से यह पता है कि सबसे कम जो लिस्ट कलर जो होती है किसका होती है वायलेट का होती है वेट क्या होती है उसके बाद किसका है इंडिगो का तो ये सब कलर हमें कितने दिखाई पड़ती है क्योंकि ये क्लियर नहीं है ये लिस्ट डेविएशन लाइट है जैसे जैसे हम लोग आगे इंक्रीज करते हैं तो ये कलर आते हैं आपको ब्लू ये ब्लू की जो लाइट होती है ये वायलेट की लाइट के डेविएशन से कम होती है इसके डेविएशन ज्यादा है बहुत ही कम है तो इसलिए बोला जा रहा है कि यहां पे जो ये जो आपकी आकाश है आकाश की जो कलर दिखाई पड़ती है वह ब्लू इसलिए दिखाई पड़ती है क्योंकि वायलेट की जो डेविएशन से बहुत ही कम है और उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या करेगा ज्यादा से तो यहां पे आपको ये दिखाई पड़ता है किसी भी टाइम में कि आकाश की जो कलर है वह कैसा दिखाई पड़ रहा ब्लू दिखाई पड़ रही ठीक है तो ये क्लियर हो गया आपको कि व्हाई इज द कलर ऑफ why the color of the clear sky blue due to the atmospheric reflection and when the interference of light refraction of light passing in our the atmosphere then the least deviation of light is violet is lesser than the blue color that's why it looks appear in blue You can't say as a why is not some looks appear as red because red is maximum intensity, maximum deviation. Red किसी दिखाई पड़ सकती है? A smoking area है, cloudy area है, evaporation area है, नहीं हो सकती है. इसलिए यह कैसे दिखाई पड़ेगा आपको? Blue भी दिखाई पड़ता है. अगर हम ये पृथ्वी से बाहर निकल जाते हैं, या पृथ्वी पर से देखते हैं astronauts में जो जाते हैं, है ना? जो ये बाहर निकलते हैं पृथ्वी से बाहर निकलते हैं उसी ग्रह पे जाते हैं तो वहां पे ये सरफेस फुली ब्लैक क्यों दिखाई पड़ती है इसलिए वहां दिखाई पड़ती है क्योंकि वहां पे कोई भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन डिपेंड नहीं करता है मतलब कि वहां पे फुल्ली क्या रहती है वहां कोई भी डस्ट पार्टिकल्स नहीं है वहां की लाइट के एरिया वहां पे नहीं है वहां पर लाइट इंटेंसिटी नहीं होती है फुल्ली क्या दिखाई पड़ेगी वो ब्लैक दिखाई वहां पर एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है हवा के मॉलिक्यूल्स वहां नहीं है कि जैसे लाइट जाएगा तो वह डेविएट कर देगी आपको पता है ना कि ब्लैक कलर जो होता है लाइट को ऑब्जर्व करता है जैसे ह्यूमन आई में पढ़े थे पुपिल के बारे में पुपिल में भी क्या होता है ब्लैक कलर क्या करता है वह लाइट को ऑब्जर्व करता है टोटल कलर क्या करता है ऑब्जर्व कर लेता है तो यहां भी वही है यहां पर एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है जो लाइट को क्या करेगा वो डिफ्लेक्ट कर देगी आप उस पे लाइट इंटेंसिटी पास करेगा यहां डेंसिटी से मीडियम ज्यादा है इसलिए यहां पे आपको कैसा दिखाई पड़ेगा फुल्ली ब्लैक कलर दिखाई पड़ेगा तो ये भी आपको जो आ गया वो किस में आ गया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में आ गया तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया तो ये आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन से आपकी बुक की क्वेश्चन से ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन से आज मैंने आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में बताया हूं कि बाहर जाए एस्ट्रोनॉट्स जो है वो स्काई को डार्क क्यों दिखाई पड़ता है उसे डार्क क्यों दिखाई पड़ता है क्योंकि वहां एयर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं वहां लाइट की इंटेंसिटी उस पर डिपेंड नहीं कर पाती है वो दूसरी स्फीयर पे है लास्ट स्फीयर पे होती है इसलिए वैसे दिखाई पड़ रही है ये भी क्वेश्चन है इसमें से कोई कोई क्वेश्चन से इस बार जरूर से जरूर रहेगा आप घर बैठे इसे पढ़ाई कर सकते हैं और टोटल ही इसके बारे में आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन इसके पढ़िए पढ़ने के बाद उस पर नोट्स देखिए और नोट्स करने के बाद उसको
आप सही से समझ के लिखिए उसे। टोटली आपको क्या है, एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन है। तो आज हम लोग ह्यूमन आई द कलरफुल ऑफ है ना, द कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड टोटली हम लोग आज खत्म किए। लेकिन इसमें हम लोग को अभी न्यूमेरिकल करना है, और न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको नेक्स्ट सेशन में न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा। जितने इसके न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, कौन कौन सा सीबीएसई में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को आप देख के जाएंगे और सारा चीज क्लियर हो जाएगी। अब देखेंगे घर में खुद प्रैक्टिस करके कितने क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते हैं। आप एक एक करके फॉलो करें और सारा नोट्स को मैं बोर्ड पे लिखा हूं, इसलिए मैं सारा नोट्स लिख देता हूं कि आप इसको देख सकते हैं और कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें सारा चीज क्लियर हो जाए।